हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश ट्यूली बुक सीरीज ऑफ क्लास 10th, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोइट्री सेक्शन। सो हमारी फर्स्ट पोइम है उसमें प्रेयर, जिसको जी ए महजूर ने लिखा है। इनका फुल नेम है गुलाम अहमद महजूर। पॉपुलरली शेर ए कश्मीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक कश्मीर के पोइट थे। इनका बर्थ हुआ था मित्रीगम पुलवामा में 1 अगस्त 1887 को। इन्होंने बहुत सारी कश्मीरी पोइम्स लैंग्वेज में पोइम्स लिखी हैं, तो ये इनकी इंट्रोडक्शन है, ये आप रीड आउट कर लेना। इसके बाद हम आ जाते हैं पोइम पे। ये पोइम पोइट ने एड्रेस किया गॉड को, जिसमें वो गॉड को बोल रहे हैं कि उनको सच्चाई के रास्ते पर लेके चले। तो स्टार्ट करते हैं। द पोइम इज एड्रेस टू गॉड, द पोइट मेक्स सर्टेन विशेज बिफोर द अलमाइटी। तो ये पोइम पोइट ने एड्रेस किया गॉड को, जिसमें वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। He implores him to lead him to the path of truth and pour on him the nectar of knowledge. Implores का मतलब होता है प्रे करना। इसमें पॉइंट प्रे कर रहे हैं गॉड को कि उनको सच्चाई के रास्ते पर लेके चलें, साथ में उनको भरें इसके साथ, नेक्टर ऑफ नॉलेज के साथ। गाइस, नेक्टर का मतलब होता है स्वीटनेस इन फ्लावर। जैसे कि हम लोगों को पता है कि फ्लावर में इतनी स्वीटनेस होती है कि बटरफ्लाई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। सेम पॉइंट भी गॉड से प्रे कर रहे हैं कि उनको नेक्टर ऑफ नॉलेज दे दें, सो दैट एवरीवन अट्रैक्ट टूवर्ड हिम। He requests him to save him from sloth and infirmity. वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको स्लॉथ और इन्फर्मिटी से बचा कर रखें। स्लॉथ का मतलब होता है आलस वगैरह, और इन्फर्मिटी मतलब वीकनेस से। Being a firm believer in God, the poet asks his Lord to always keep him under his umbrage and protection. God के ऊपर फॉर्म फेथ रखने के कारण, गॉड के ऊपर बिलीव होने के कारण पोइट कहते हैं भगवान को कि वो उनको अपने प्रोटेक्शन में रखें, अपने अंडर रखें और अपनी प्रोटेक्शन में रखें। द पोइट डज नॉट बॉदर इफ पीपल बिट्रे और अबंडन हिम, बट ही कैन नॉट बियर एनी काइंड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज लॉर्ड। पोइट यहाँ पे कहते हैं कि अगर लोग उनको छोड़कर चले जाएं, तो पोइट को उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना हो, लेकिन पोइट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि अगर भगवान उनको छोड़कर चले जाएं, तो ये चीज़ वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ये थी हमारी इंट्रोडक्शन इस पोइम के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोइम को लाइन बाय लाइन। लॉर्ड, यू आर माय होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रुथ। पोइट कहते हैं भगवान, आप ही मेरी होप होता है, आशा उम्मीद, ट्रस्ट विश्वास होता है। तो पोइट कह रहे हैं कि भगवान आप ही मेरी होप हो और आप ही मेरा ट्रस्ट हो, इसीलिए वो उनसे कह रहे हैं कि आप मुझे ट्रुथ के वे पर लेकर चलें, ट्रुथ के रास्ते पर लेकर चलें। How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. पोइट कहते हैं कि मैं कब तक इग्नोरेंस में रहूँगा, कब तक मैं अज्ञानता में रहूँगा, आप मुझे नेक्टर ऑफ नॉलेज से पोअर करें, कि मेरे अंदर इतना नॉलेज भर दें कि मैं दूसरों को भी अपने नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट कर पाऊँ। लैंड ईयर टू माई वेलिंग एंड प्लीज क्योर मी ऑफ इल्स एंड पेंस। पोइट कहते हैं कि आप मेरी वेलिंग्स, आप मेरी जो भी उनकी पुकार है, जो भी उनका चिल्लाना है या जो भी उनकी प्रे है, उनको सुने, साथ में उनको क्योर करें, उनकी जो भी इल्स हैं या पेंस हैं उन सबको क्योर करें। बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, लेट मी नेवर फील इन वांट। पोइट कहते हैं भगवान से कि आप हमेशा मेरी तरफ दयालु रहें और साथ में मुझे कभी भी उस तरफ ना लेकर जाएं जहाँ पे मैं सेल्फिश रखूँ, सिर्फ अपने बारे में सोचूं। सेव मी फ्रॉम स्लॉथ, इन्फर्मिटी एंड डाउट। पोइट कहते हैं कि भगवान आप मुझे बचाएं स्लॉथ से, आलस से बचाएं, इन्फॉर्मेटिव वीकनेस से बचाएं, और साथ में डाउट से बचाएं, मतलब कि जहां पर मैं कॉन्फिडेंट ना रहूं उस तरफ ना लेकर जाएं। सरचार्ज माय हार्ट विद पैशन जस्ट एंड होप। पोइट कहते हैं कि आप मेरे हार्ट को फिर से चार्ज करें पैशन के साथ, जस्ट मतलब जोश के साथ, और होप मतलब आशा के साथ। तो ओवरऑल इस पैराग्राफ में पोइट ने भगवान से कहा है कि आप मुझे सच्चाई के रास्ते पर लेकर जाएं, मेरे अंदर नेक्टर ऑफ नॉलेज भर दें, मेरे दुख दर्दों को मिटा दें, मैं कभी भी सेल्फिश ना रहूं, और मुझे आलस, वीकनेस, इन सब चीज़ों से दूर रखें, और मेरी बॉडी के अंदर पैशन, जोश और होप भर के रखें।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पैराग्राफ. लेट मी नॉट एवर चांट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इन टू द डेड. तो इस पैराग्राफ में पोइट कहते हैं फर्स्ट लाइन में कि मैं कभी भी ऐसे चांट, ऐसे गीत ना गाऊं जिससे, जो कि स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स हो, मतलब कि जिससे किसी को नींद आ जाए, ऐसे टेल्स मैं कभी भी ना गाऊं. लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इन टू डेड, बल्कि मैं ऐसे गीत गाऊं जिससे मैं डेड बॉडीज के अंदर भी लाइफ इन्फ्यूज कर दूँ. इन्फ्यूज का मतलब उसके अंदर इमोशंस भर देना एक तरह से, ठीक है. लेट मी सिंग ऑफ दैट विच इंस्पायर्स पीपल विद लव, बोल रहे हैं पोइट कहते हैं कि मैं ऐसे गीत गाऊं जिससे कि मैं दूसरों को प्यार के साथ भर दूँ, दूसरों को प्यार की तरफ इंस्पायर कर दूँ. एंड काजिस ऑल विटरनेस एंड हेटर टू वैनिश, और जिस वजह से, जो कि विटरनेस कड़वाहट के या नफरत के जो भी कारण हैं, उन सबको मैं ख़त्म कर दूँ, वैनिश कर दूँ उनको मैं. यू ब्रॉच मी टू ब्लूम विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज, लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर वाइदर मी ग्रे. पोइट कहते हैं कि आपने मुझे ब्लूम तो कर दिया है अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज से, सुबह से, सुबह जो वर्नल ब्रीज है उससे आपने मुझे ब्लूम तो कर लिया है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर वाइदर मी ग्रे, लेकिन अब आप जो समर की जो बर्निंग हीट है, तेज गर्माहट जो है, उससे आप मुझे मायूस मत कर देना, मुझे आप उससे मुरझा मत देना. वाइदर होता है मुरझाना, ठीक है, आप मुझे उससे मुरझा मत देना. लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शेल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, वो बोलते हैं कि जैसे ड्यू, ओस की जो बूंद है, वो सनलाइट का वेट करती है जिससे कि उसके अंदर खूबसूरती बढ़ जाती है, है ना, वो पर्ल बन जाता है. लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ड्यू की तरह वेट नहीं कर सकता, कि मैं कब तक ड्यू की तरह वेट करूँ सन की फर्स्ट फ्लैश का. अवेकन मी विद द फ्लॉर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डार्क डॉन, पोइट कहते हैं कि आप मुझे जगाओ किसके साथ, सुबह की जो पहली स्ट्रोक है ना, डॉन होता है सुबह होना, ठीक है, सुबह जब डॉन होता है, पोइट कहते हैं कि आप मुझे वैसे जगाओ जैसे फ्लॉर डॉन होते ही खिल जाते हैं, उस तरह से आप मुझे खिला देना. इन फॉर्म आई एम अ मैन इन सब्सटेंस फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी, पोइट कहते हैं कि फॉर्म में, शक्ल से तो मैं एक मैन हूँ, एक इंसान हूँ, बट मैं ह्यूमैनिटी से बहुत दूर हूँ, फार होता है दूर होना, लेकिन मैं ह्यूमैनिटी से बहुत दूर हूँ. सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन बॉडी, पोइट कहते हैं कि आप मुझे इम्तिहान में मत डालें, भगवान से कह रहे हैं वो, ठीक है, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, और मेरी जो ह्यूमन फॉर्म है, ह्यूमन शक्ल है, उसकी शेम ना करें. फॉरसेकन बाय मैन एंड आई एंड सो दे कॉल मी महजूर, पीपल मे डेजर्ट मी दस बाय बट यू डोंट अबंडन मी लॉट. फॉरसेकन का मतलब होता है किसी को आइसोलेट करना. पोइट कहते हैं कि मे बी मैं मैन के द्वारा फॉरसेकन कर दिया जाऊँ, अबंडन कर दिया जाऊँ. एंड सो दे कॉल मी महजूर, और वो लोग मुझे महजूर कहें. पीपल मे डेजर्ट मी दस बट यू डोंट अबंडन मी लॉट. पोइट कहते हैं कि लोग मे भी मुझे डेजर्ट कर दें, छोड़ दें, लेकिन आप मुझे कभी भी मत छोड़ना. भगवान से वो कह रहे हैं कि लॉर्ड आप मुझे मत छोड़ना, लोग चाहे मुझे छोड़ दें. इन शॉर्ट इस पैराग्राफ में पोइट कहते हैं कि वो ऐसे गीत गाएं जिससे कि वो डेड बॉडीज़ को भी लाइफ में कन्वर्ट करें, बल्कि ऐसे गीत ना गाएं जिससे कि कोई सो जाए, ऐसे टेल्स वो नहीं गाना चाहते हैं. इसके बाद पोइट कहते हैं कि वो दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं लव की तरफ, और लोगों में जितने भी बिटरनेस हेटर है, उस सब को, चीज़ों को वैनिश करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं. उसके बाद पोइट कहते हैं कि गॉड को, कि आपने मुझे ब्लूम किया है वर्नल ब्रीज से, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि समर के आने पर वो उनको ख़त्म ना कर दें, ठीक है, मुरझा ना दें. उसके बाद पोइट कहते हैं कि वो कब तक एक ड्यू की तरह वेट करेंगे सन की फर्स्ट फ्लैश का, मतलब वो चाहते हैं कि उनको फर्स्ट डॉन में ही वो जो है वो फ्लावर की तरह अवेक हो जाएं, जाग जाएं, ठीक है. उसके बाद वो पोइट कहते हैं कि वो एक इंसान तो है, लेकिन वो इंसानियत से बहुत दूर है, इसलिए वो भगवान को कह रहे हैं कि वो उनका इम्तिहान ना लें और उनको ह्यूमैनिटी की तरफ लेकर जाएं, उनकी ह्यूमैनिटी फॉर्म की शेम ना करें, ठीक है. उसके बाद पोइट कहते हैं कि मे बी सब लोग उनको छोड़कर चले जाए, लेकिन भगवान उनको छोड़कर कभी भी ना जाए. तो ये थी हमारी आज की पोइम प्रेयर, जो कि हमने डिस्कस कर ली, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मिरेकल्स. So thanks for watching. I hope you like the video. Please like, share and subscribe and press the bell icon for more videos. Bye bye.